विज्ञान कक्षा 8 प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी मीडियम। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को अपनाने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन। प्रमुख परिभाषाएं, पहले इस अध्याय की प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, आप इसको समझकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं और ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आंसर और परिभाषाएं इस वीडियो में दिए गए हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण से सभी सिद्ध किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों तथा अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। उर्वरक पद्धतियों में अपनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। केचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं, इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण करते हैं। मोट, चेन, पंप, ढेकली और रहट से सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद से ह्यूमस की मात्रा होने के कारण से मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके और सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं इसमें दिए गए हैं। कुएं, नलकूप, तालाब, झील। सिंचाई के दो प्रकार हैं, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमान भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़क नाशी कहते हैं।
वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। आप लोग अपने आसपास कंबाइन मशीन देखे भी होंगे, उससे दोनों का काम हो जाता है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। पीड़क नाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़क नाशी जल स्रोतों से मिलकर के जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो पीड़क नाशी दवाओं के उपयोग का फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फायदा यह है कि उससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, परंतु उससे हमारा जल प्रदूषण भी बढ़ता है। अब इस एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आगे कुछ, और आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम में 90% क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से ही आते हैं। प्रश्न दिया गया है, आप लोग प्रश्न लिख सकते हैं और उसके बाद उत्तर दिया गया है। आप इसको समझ करके नोट बना सकते हैं अपने कॉपी में और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो आसानी से मिलते रहें। यहाँ मिलान करके उत्तर दे दिया गया है। प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है पहले भी बताया गया है। प्रश्न है, उर्वरक और खाद में अंतर, इसको लिख लीजिए। उर्वरक
कार्बनिक है। ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, उसको फिर से समझाया जाएगा। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर और प्रमुख परिभाषाएं इससे बता दी गई हैं, ऐसे ही अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा।